पहली वैकेंसी क्या है, यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं और इसके थ्रू आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट, उसके बाद अलग अलग पदों पर यहां तक कि जनरल तक बनने का भी मौका होता है। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। ग्रेजुएशन एज लिमिट है 18 से 23 साल है आर्मी और नेवी के लिए, 20 से 24 साल है एयरफोर्स के लिए। अप्लाई डेट है 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 19 नवंबर 2019 तक ये अप्लाई होता रहेगा। अप्लाई फी है 200 रुपया जनरल एंड ओबीसी के लिए और फी नहीं लगेगा फीमेल सभी कैटेगरी के लिए और एससी एसटी के लिए। सैलरी बहुत बेहतरीन है, 2.5 लाख से ज्यादा तक की सैलरी चली जाती है और फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वैकेंसी आईटी धनबाद से है, झारखंड में, यहाँ पर 51 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर जेई, जूनियर सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स एंड जूनियर टेक्नीशियन। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा या सिंपल ग्रेजुएट है तो भी चल सकता है या पीजी। ओके, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर है जेई है उसके लिए तो बीटेक या डिप्लोमा तो चाहिए ही। मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 4 दिसंबर। अप्लाई फी है 500 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी और फी नहीं लगेगा तमाम कैटेगरी की महिलाओं, इसके अलावा एससी एसटी दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के पुरुष और महिलाओं को, और सैलरी ठीक ठाक है आप देख रहे हैं 1,42,000 तक की सैलरी चली जाती है। अगली वैकेंसी एसएससी से आ रही है, यहाँ पर सीजीएल के लिए जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने शुरू में ही इसे शामिल कर लिया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ओके, तो कौन कौन से पद है एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, ढेर सारे पद हैं। और एज लिमिट है मैक्सिमम 30 इयर्स प्लस रिजर्व वालों को छूट मिलेगी एज लिमिट में। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 25 नवंबर। अप्लाई फी 100 रुपीज है और फी नहीं लगेगा एससी एसटी और पीएच के लिए। सैलरी अच्छी खासी है, 1.5 लाख तक सैलरी चली जाती है बाद में। आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी में ये वैकेंसी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की बुक्स आपने पढ़ी होंगी जरूर। तो वहां पर 36 पोस्ट है, फिल्म असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन ग्रेड 1, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म जूनियर। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 8th पास या 10th पास या आईटीआई या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन विद एक्सपीरियंस। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 इयर्स, लास्ट डेट है 21 नवंबर और अप्लाई फी है 200 रुपीज और फी मिलेगा एससी एसटी और सभी कैटेगरी की महिलाओं को और सैलरी ठीक ठाक है 2 लाख तक सैलरी चली जाती है। अगली वैकेंसी भी एनसीईआरटी से ही है, यहाँ पर 15 पद है, प्रूफ रीडर, एडिटर, एडिटोरियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट है। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 10वीं, सिंपल 10वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं संबंधित पद के लिए, या एमएससी या बीटेक या एमसी या ग्रेजुएशन या पीजी। ओके, एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर है मैक्सिमम, लास्ट डेट है 21 नवंबर, लेकिन फॉर्म इसका ऑफलाइन भरा जाएगा, तो दोनों फॉर्म जो है, दोनों एनसीईआरटी के फॉर्म वो ऑफलाइन भरे जाएंगे, तो ऑफलाइन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड से है, यूपी टेट 2019 के लिए एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी या डिप्लोमा या बीएड। अप्लाई डेट है इसके लिए 1 नवंबर से 22 नवंबर तक। एप्लीकेशन फी 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक है। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर करने के बाद ही आप यूपी में शिक्षक बन सकते हैं सरकारी एजुकेशनल सेक्टर में। अगली वैकेंसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से है, यहाँ पर 912 पद हैं। कौन कौन से, वेटनरी ऑफिसर और लाइब्रेरियन ग्रेड 2। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन वेटनरी साइंस या डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। एज लिमिट है 20 से 40 साल, लास्ट डेट है 24 नवंबर, एप्लीकेशन फी 150 से 350 रुपए और सैलरी अच्छी खासी बताई गई, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली भर्ती दिल्ली पुलिस से है, यहाँ पर 554 पद है हेड कांस्टेबल के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास, एज लिमिट है 18 से 25 साल, लास्ट डेट है 13 नवंबर, एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है और फी नहीं लगेगा फीमेल एंड अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी अच्छी खासी 81,000 तक सैलरी चली जाती है और इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती जो है वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से है, यहाँ पर 1496 पद है, उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के।
योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन इन उर्दू सब्जेक्ट। एज लिमिट है 18 से 42 साल। अप्लाई डेट है 5 नवंबर से 4 दिसंबर। एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज है। सैलरी ठीक ठाक इसमें बताई गई। फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अभी भर्ती उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। यहाँ पर कंबाइंड स्टेट अपर सबोर्डिनेट सर्विस यानी पीसीएस 2019 एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं। पोस्ट है यहाँ पर 364। तो कौन कौन से है उसको देख लेते हैं। जैसे सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो कई तरह के पद हैं आप देख रहे हो। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन या लॉ डिग्री या पीजी या एजी या सीजी या कोई अदर डिग्री। तो संबंधित पद जो है उसके लायक जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट है 13 नवंबर। तो फॉर्म ऑनलाइन भर जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल चेक कर लेना। अगली बढ़ती छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल से। यहाँ पर 1799 पद है जीडीएस के लिए ग्रामीण डाक सेवा। योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास। एज लिमिट 18 से 40 साल। लास्ट डेट 21 नवंबर। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है और सैलरी 10,000 रुपए के आसपास है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। ओके, आगे इंडियन आर्मी में ऑफिसर के पद हैं 10+2 एंट्री स्कीम के तहत और 10+2 यानी 12th पास विद पीसीएम वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये केवल पुरुषों के लिए। ओके, एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल है। लास्ट डेट 13 नवंबर। फी नहीं लेगा, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। अगली भर्ती एम्स ऋषिकेश से है। यहाँ पर 372 पद है नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहीं का भी हो चलेगा, किसी भी हॉस्पिटल का। एज लिमिट है 21 से 30 साल। लास्ट डेट है 24 दिसंबर। अप्लाई फी है 500 से 3000 रुपए, बहुत ज्यादा है। सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 1,42,000 रुपए तक सैलरी चली जाती है, 44,000 से शुरू होती है। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जा रहा है। अगली भर्ती स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से है या सेल। ओके, यहाँ पर 296 पद हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, सर्वेयर, जूनियर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, माइनिंग फोरमैन, इसके अलावा कई और पद हैं। योग्यता होनी चाहिए इसके लिए आईटीआई या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 18 से 28 साल। लास्ट डेट है 15 नवंबर। एप्लीकेशन फी 150 से 250 रुपए है और सैलरी ठीक ठाक ही है, 15,830 रुपए से लेकर 24,110 रुपए पर मंथ। फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। अगली भर्ती सैनिक स्कूल रिवाड़ी से। यहाँ पर 6 पद हैं, एलडीसी, जनरल इम्प्लाई, पीजीटी, म्यूजिक टीचर। योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास या ग्रेजुएशन या म्यूजिक डिप्लोमा या पीजी। एज लिमिट की बात करें तो बिटवीन 18-50 ईयर्स है, लेकिन ये जो भर्ती है वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा, तो ये 14 नवंबर को इंटरव्यू होना है। अगली भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड से। यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए ये भर्ती चल रही है। एलिजिबिलिटी 10th पास है, ये पुरुषों के लिए केवल। ओके, एज लिमिट है 18 से 22 साल। लास्ट डेट है 8 नवंबर। फी नहीं लगेगा और सैलरी ठीक ठाक दिख रही है। अगली भर्ती बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी से। यहाँ पर 1311 पद है फार्मासिस्ट के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास साइंस में या इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी होने चाहिए। ओके, अब बी फार्मा और एम फार्मा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट है 37 साल पुरुषों के लिए और 40 साल महिलाओं के लिए। लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 21 नवंबर। एप्लीकेशन फी है 250 से 500 रुपए और सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए पर मंथ। ओके, फॉर्म ऑनलाइन भर जा रहे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डिटेल।